इसमें स्कैन कैसे करते हैं देखेंगे। बटन से स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और डिवाइस एंड प्रिंटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोनी कैमरा का ऑप्शन आ गया, इस पर राइट क्लिक करिए, देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट स्कैन। स्टार्ट स्कैन पे जाने के बाद में ये देखिए, ये आपका हो गया मशीन का मॉडल हो गया। आप मशीन का यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं और कोई स्कैनर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में ये हो गया प्रोफाइल आपका। प्रोफाइल में आप डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहते हैं कि फोटो कॉल स्कैन करना चाहते हैं, जो भी आप दे सकते हैं। और सोर्स मैंने आप पूछना है कहाँ से, आपका यहाँ सिर्फ प्लैटन लगा हुआ है सिर्फ ग्लास से। देखिए इसमें ADF नहीं है, जो DRDF बोलते वो नहीं है, तो सिर्फ ग्लास से हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। ये कलर यहाँ पे पूछ रहा है आप कलर, ग्रे स्केल और ब्लैक एंड व्हाइट क्या करना चाहते हैं। हमें कलर चाहिए, यहाँ आप JPG जो फॉर्मेट में आप यहाँ कर सकते हैं, देखिए ठीक है। ये खत्म होने के बाद में आप रिव्यू में जा सकते हैं। और एक चीज आपका यहाँ पर DPI है, DPI भी आप बढ़ा सकते कमा सकते। ये प्रीव्यू में देख लेने के बाद में अगर आपका सही हो गया फिर स्कैन कर दे। आपका स्कैन होंगे, आप यहाँ डॉक्यूमेंट का कोई नाम दे सकते हैं, हमने कोई नाम दे दिया। देने के बाद में यहाँ इंपोर्ट कर देंगे, देखिए ये आपका सेव हो गया, इसको आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओपन करके आप प्रिंट भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।